दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ये जो मेंबरशिप कार्ड है, इसके अंदर आप जो फोटो देख रहे हो, ये फोटो आप कैसे चेंज कर पाओगे? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप आसानी से अपने इस कार्ड का फोटो चेंज कर पाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर आपको लिखना है न्यू सरकारी exam.com। ठीक है, exam.com, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया। आपको यही स्पेलिंग लिखना होगा, ध्यान से देख लो और इसे आप लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद इसे आपको क्या करना है, बस इसे आपको सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आप सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, PPSC प्री एडमिट कार्ड 2024। ठीक है, तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी सदस्य। ठीक है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका जो कार्ड है वो खुल जाएगा, या फिर यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। जो नंबर से आपने इसके अंदर रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर डालोगे, आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि डालने के बाद ये आपके पास आपका कार्ड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फोटो आप देख रहे हो, इसे हम चेंज कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट योर डिटेल्स। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट योर डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर फोटो चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या मांग रहा है, हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है, जिस नंबर से हमने रजिस्टर किया था। ये पहले भी मांग सकता है या फिर बाद में भी आपका मांगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, जिस नंबर से हमने रजिस्टर किया था। तो मैंने दोस्तों यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब उसके बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर जो है वो ओटीपी आ जाएगा, देख सकते हो 587560। ठीक है, यहां पर आ चुका है, ये ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए अपडेट डिटेल्स पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो पहले से फोटो लगा हुआ है वो फोटो, तो बस आपको क्या करना है, ये जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, तो बस यहां पर आपको गैलरी पर क्लिक कर देना होगा और जिस भी फोटो को आपको यहां पर लगाना है, यहां पर आप अपना वो फोटो सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मुझे ये फोटो लगाना है तो मैं यहां पर ये फोटो को सेलेक्ट कर लूंगा। करने के बाद यहां पर देख सकते हो अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। बस यहां पर जैसे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फोटो है यहां पर चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस करना चाहो, जैसे कि कैटेगरी, रिलीजन, कास्ट वगैरह आप कुछ डालना चाहो अपना, तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं डालना है तो बस यहाँ पर अपडेट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप अपने किसी फैमिली का डिटेल डालना चाहो तो वो आप यहाँ पर डाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मुझे नहीं डालना है तो यहाँ पर अपडेट एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। इसके अंदर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये भी आप चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अपना जिला डाल सकते हो, मंडल डाल सकते हो, वार्ड नेम डाल सकते हो, ये सब कुछ आप डाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस यहाँ पर मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। अपडेट एंड गो टू डैशबोर्ड पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फोटो है दोस्तों यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा फोटो आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आसानी से आप अपने भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबरशिप कार्ड है उस पर अपना फोटो चेंज कर पाओगे। तो कैसा लगा ये ट्रिक, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।